नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां हम मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। आइए दोस्तों, आज का जो वीडियो लेकर आए हैं, एक्सेल आप सभी लोग चलाते होंगे, और क्योंकि सॉफ्टवेयर ही ऐसा है दोस्तों, लगभग लगभग सभी को इसकी ज़रूरत पड़ती है। मैं दो या तीन आपको कुछ ऐसी शॉर्ट चीज़ें बताऊँगा जो कि आपको बहुत ज़्यादा काम आ सकती हैं और आप लोग इसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। आपको ये सिर्फ प्रैक्टिस में लाना है दोस्तों। मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ नंबर्स लिख देते हैं, ये हमने नंबर लिख दिए हैं, और आप इसको एक तरफ से कंटेंट मान के चलिए। यहाँ पर मान लीजिए हमने कोई नाम लिख दिया है इस तरीके से, और अब दोस्तों ये जो है, ये देखिए आप, आपको ये डिलीट करना है। तो आप अक्सर क्या करते हैं, आप यहाँ जाएंगे, आप इस तरीके से डिलीट का बटन दबा देंगे कीबोर्ड पे, तो ये डिलीट हो जाएगा, ये ऐसे डिलीट हो जाएगा, ये सेलेक्ट करके कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। दोस्तों अब इसमें जो एक और छोटा सा ऑप्शन देता है आपको एक्सेल की, आप इसको सेलेक्ट कीजिए। अब मान लीजिए आप यहाँ पर लेकर आइए, और जैसे ही आपको देखिए ये प्लस का सिंबल, ये जो ब्लैक हो रहा है, इसको आप वापस से ड्रैग कर दीजिए। आप जैसे ही जितना भी ड्रैग करेंगे और आप लेकर जाएंगे, ये देखिए ये पूरा डिलीट हो चुका है। और ये बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि हम सेलेक्ट एरिया को किस तरीके से कर रहे हैं ये देखने के लिए, ये आप देखिए ये हम लिख देते हैं। और अब आप इसको ऐसे लीजिए, और यहाँ से जब आप लेंगे तो आप जितना पार्ट चाहेंगे उतना पार्ट को आप जो है लेटेस्टली वहाँ से डिलीट कर पाएंगे। तो दोस्तों बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा आप देखिए, आप अक्सर ऐसा करते हैं, आपने यहाँ से कॉपी किया, अब ये कॉपी करेंगे, देखिए ये सिंबल घूमने लगा है, और यहाँ पर ले जाके आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। ये हमने इसको पेस्ट कर दिया है, लेकिन आप चाहते हैं कि एज इट इज़ डेटा जो है आप कहीं से कहीं शिफ्ट करना चाहते हैं, तो दोस्तों उसको कैसे किया जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आप इसको सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने के बाद आपको ये इंतज़ार करना पड़ेगा, इस तरीके से ये जो सिंबल आप देख रहे हैं प्लस का, ये नहीं, आप यहाँ आइए और यहाँ पर आप जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे, ये देखिए यहाँ से आप दोस्तों इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। देखिए ये वो कॉपी डेटा है, मैं ले जाकर यहाँ रख देता हूँ। देखिए यहाँ से पूरी तरीके से वो कट हो चुका है। आप ये जैसे ही ऐसा सिंबल हो जाएगा, इसको लेकर आइए और यहाँ पर आप उठा के रख सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा काम आती है, और इसको जब एक्सेल का आप अच्छा खासा काम करते हैं, क्योंकि ये कट कॉपी करने की जगह अगर आप ये करने लगेंगे तो ये प्रैक्टिस में आ जाएगा, और ये बहुत ज़्यादा आपका टाइम बचाएगा। और एक जो सबसे अच्छा है दोस्तों, जहाँ भी आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म इस तरीके से लिखते हैं, तो आप अक्सर ऐसा लिख देते हैं, ये देखिए ये फर्स्ट लिखा हुआ है, और ये इस तरीके से हम यहाँ सेकंड लिख देते हैं। अब दोस्तों आप ये चाहते हैं कि सुपर स्क्रिप्ट में आने चाहिए, फर्स्ट और सेकंड इस तरीके से नहीं दिखने चाहिए। आपको करना क्या है, यहाँ पर आइए और ये ST जो है आप इतने इसको जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पर, आप बार में, मैं यहाँ भी करके दिखा देता हूँ, ये देखिए मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको प्रेस करना है Ctrl+1। जैसे ही आप Ctrl+1 प्रेस करेंगे, ये फॉर्मेट सेल का पॉपअप मेन्यू ओपन होगा, हमें सुपर स्क्रिप्ट पर जो है चेकबॉक्स लगा देना है। सुपर स्क्रिप्ट पर चेकबॉक्स लगाने के बाद आप ओके कर दीजिए। अब इसके अंदर जो फॉर्मूला आ गया है दोस्तों, आपको करना क्या है, इसको उठाकर सेलेक्ट कर दीजिए। आप जितना भी सिलेक्ट करना चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए प्रॉपरली जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन टेंथ इलेवन ट्वेल्थ जिस तरीके से लिखा जाता है, ये उस फॉर्मेट में लिखा हो गया है, सुपर स्क्रिप्ट में लिखा हो गया है, और ऑटोमेटेड है दोस्तों। तो आप इसको कितना भी दूर तक ले जा सकते हैं, जितने आप नंबर चाहते हैं वो इस फॉर्म में आसानी से आ जाएंगे। आपको बस करना क्या था, आपको उस पार्ट को सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+1 करना था और सुपर स्क्रिप्ट पर टिक लगा देना था, इसके बाद ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हम जैसे ही पता करते हैं, और हमें लगता है कि एक जो हार्डकोर यूज़र होता है एक्सेल का, उससे हटके जो हमारे नॉर्मल लोग होते हैं, वो कैसे इन चीज़ों को धीरे धीरे प्रैक्टिस में सीख पाएँ। तो आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिए और कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं, और भी आप क्या चाहते हैं एक्सेल में, किस तरीके से आपको और क्या सिखाया जाए, कहाँ आपको दिक्कत आती है, हम उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। मैं आशा करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।